वहीं कुढ़नी प्रखंड अंतर्गत विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों पर राशन वितरण गर्भवती महिला, धात्री छात्र महिला, कुपोषित बच्चा और अति कुपोषित बच्चों के बीच किया गया, जिसमें राशन वितरण के दौरान शाहपुर मरीचा पंचायत में छपकी ग्राम के आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 498 व आरिजपुर के केंद्र संख्या 250 पर LS द्वारा जाँच किया गया। उसके बाद अख्तियारपुर परैया पंचायत के केंद्र संख्या 254 पर सेविका छुट्टी पर थी, वहीं केंद्र संख्या 33 पर जांच किया गया, जहां जांच के दौरान महिला पर्यवेक्षिका मनीषा कुमारी ने गड़बड़ी को लेकर सेविका को फटकार लगाई। वहीं सारी पंजी अपडेट करने का एक सप्ताह का समय दिया गया है। ये जा रहा है विकास समिति में अपडेट नहीं डाले हुए, ऐसे काम होता है जी? कब से काम कर रहे हैं आप? तो बहुत पुराने हैं। जब पुराने हैं तो इतना बड़ा गलती कैसे हो जाता है? इसमें तो व्हाइटनर मारा गया है, क्या कारण है कि व्हाइटनर मारा गया है? जगह जगह पर व्हाइटनर क्यों मारा गया है? डेली मेंटेन नहीं करते हैं क्या रजिस्टर? 17 आदमी को मैडम, लेकिन 34 आदमी का इसमें नाम है। अभी आएगी, अब ना आती है घास भूसा वाली, अब ना आएगी। तो मैंने इन्फॉर्मेशन बच्चा को नहीं मिला था, सबको मिला हुआ है। बच्चा कितना है क्या? टोटल यहाँ कितना बच्चे मैंने नामांकित है? पढ़ने वाले 25। अभी आज कितना परसेंट थे? आपके द्वारा कितना सेंटर को विजिट किया गया है? आज 4 सेंटर विजिट किया गया जी, जिसमें से आज 33 पर जो है सारे पंजी अप टू डेट नहीं पाए गए। उसको एक सप्ताह का निर्देश दिया गया है, आदेश दिया गया है, एक सप्ताह के अंदर सारे पंजी चार्ट पोस्टर वगैरह जो है अपने केंद्र पर लगा ले, जो कि सारा खाली है अभी। और एक सप्ताह के अंदर फिर हम इस जांच पर आएंगे फिर यहाँ, और इसमें हम देख लेंगे कि हमारे पंजी सब अपडेट हुए या नहीं हुए। मैडम इसमें क्या क्या गड़बड़ी मैंने आपको देखने को मिला और सब सेंटर पे? मिला कि TH4 पंजी में डेट नहीं डाला हुआ है जी, उसमें जो है कितना मिलता है वो चीज नहीं डाला हुआ है, कितना चावल मिलना है, कितना दाल मिलना है, वो चीज नहीं चढ़ा हुआ है। सिर्फ लाभुकों का साइन और लाभुकों का नाम है, बाकी सब ब्लैंक है। देखने